बैक विद अदर वीडियो। सो आज हम एक मानसून राइड पे जा रहे हैं, बेसिकली महाड़ करके एरिया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नॉट महाड़, मानगांव करके एक एरिया है। तो वहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत है, तो वहाँ पे अब हम जा रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे साथ मेरे भाई है, अपने निखिल भाई, जो लोनावला राइड पे भी थे, मेरे साथ ज्वाइन किया उन्होंने भी। तो और एक बंदा जुड़ने वाला है हमारे साथ, मेरा बहुत मतलब पुराना दोस्त है कॉलेज का, इंजीनियरिंग का। तो अभी वो वेट कर रहा है, उसका अभी जस्ट कॉल आया था, तो अभी देखते हैं कैसा होता है। और मेरे सब प्रॉपर सेटअप किया, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये वाटरप्रूफ सेटअप किया, पूरा टैकेट वगैरह लगा के, पन्नी वगैरह लगा के, प्लास्टिक की सारियाँ। तो अभी देखते हैं, अभी दोस्त जो आया उससे मिलवाता हूँ मैं आपको। निखिल भाई से तो आप मिले हो, तो मैं आपको एक नए दोस्त से मिलवाता हूँ, उनके पास भी मीटियोर है, तो अभी देखते हैं। ओके, आई थिंक यही पे कहीं पे होगा मेरा जिगरी दोस्त काटकर द बॉय, कहाँ पे देखते हैं जरा। काटकर द बॉय, काटकर साला उधर क्या कर रहे है बे नल्ले, इधर आ इधर आ इधर आ। या मैं आपको हमारी बाइक्स की लाइनअप दिखाता हूँ। वेट, फुटे लाओ ना, फुटे लाओ। ये आ रहा है, ये आ रहा है, काट कर द बॉय, द गर्ल काट कर। क्या बोल दो भाई, कैसा है? एकदम आ रही। सो गाइस, ये हमारे दोस्त काट कर, निखिल भाई से तो आप मिले ही होंगे लोनावला ब्लॉग में। ये हमारे काटकर द बॉय, इंजीनियरिंग के दोस्त है मेरे, और बहुत कितने 3 साल के बाद में मिल रहे हैं ना अपन, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद में मिल रहे हैं, आफ्टर कोविड मिल रहे हैं एक्चुअली। और भाई ने वो अक्टूबर में गए थे कोविड में 2020 में। तो भाई ने नई ली है मीटियोर, एकदम सही, एकदम कितना महीना हो गया, ऑलमोस्ट अभी डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया। और भाई ने एकदम खतरनाक रखी है गाड़ी। तो बहुत दिनों से मैं उसको कॉल कर रहा था कि यार आ मेरे साथ राइड पे। तो आज वो उसका मुहूर्त निकला, आज आया वो, अभी देखते हैं। चंचल भाई ने खास बोला इसलिए आया, टाइम निकल गया, मुश्किल से कटे का छुट्टी मिलता है, आज हम आए बाबा। चंचल भाई बोला मतलब आने। हाँ, मेन। चल ठीक है फिर, चलो मैं आपको मिलता हूँ गाइज। सो गाइज, अभी हम लोग ने फ्यूल अप कर दिया है, पूरा टॉप अप प्रॉपरली। सो अभी देखते हैं। सो गाइज, हम लोग ने अभी जस्ट फ्यूल अप किया जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं वो कुंभे वाटरफॉल के लिए, जो एक मानगांव में है। और ये जो मैंने सेटअप किया, मैं आपको, अरे यार मैंने शूट करना भूल गया, मैंने पूरा प्रॉपरली वाटरप्रूफ सेटअप किया है। तो बेसिकली ये जो राइड है वो एक बड़ी मानसून राइड में करने वाला हूँ अगस्त में। तो उसके लिए एक टेस्ट राइड है कि गोप्रो मतलब मीडिया मोड को अपन पूरा वाटर प्रूफ करवा के व्लॉगिंग कर सकते हैं, यानी वो चेकिंग के लिए मैं राइड कर रहा हूँ। और जो वाटरफॉल है, तो ये वाटरफॉल बहुत ही मतलब इस पर यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं है, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 वीडियोज़ है। तो मैंने सोचा कि ये वाला एक अपना वाटरफॉल कवर करते हैं, तो ड्रोन के मस्त शॉट्स लेंगे। और अभी हम लोग पूरा राइडिंग ग्रुप तीन जन का जा रहा है, एकदम सही लग रहा है। और या और अभी ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी के 9720 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। तो आई थिंक ये राइड तक पूरा, आई थिंक ये जो कुंभे वाटरफॉल है वो अराउंड लाइक 153 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम। तो आके जाके 300 क्रॉस हो जाएंगे, तो आई थिंक अपन 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लेंगे, विच आई वाज लाइक होपिंग ऑफ, बिकॉज मेरे को मानसून राइड जो मैं अगस्त में करने वाला हूँ बड़ी, उसमें मुझे सर्विस करवा के जाना था 10,000 की। तो या और गाइस, लास्ट संडे जो था, मतलब आपने आई थिंक वो शॉर्ट वीडियो देखा होगा,
मैंने अगर आई होप मैंने वो डाला होगा जल्दी, तो आपने वो शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग मेरे दो दोस्त थे और हम लोग कोरीगढ़ करके एक है जगह है लोनावला में, एमबी वैली में, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो उस समय मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया था, मैंने जस्ट शॉर्ट वीडियो बनाया था एक और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल दिया। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और मुझे ऐसा लगा कि इस अभी जब हम लोग ये वाला राइड कर रहे हैं तो इसमें मैं शूट करूं, मतलब मोटो ब्लॉग बनाऊं, तो इसलिए मैं बना रहा हूं। और टेस्ट राइड है तो वो भी चेक हो जाएगा। गाइस अभी हम लोग करनाला बर्ड सेंचुरी जो है उसके आसपास है, और यहाँ का जो मौसम हो गया ना यार, वे क्या ही बताऊँ। वो देखो आपको दिख रहे होंगे, वो पूरा फॉग्ड अप है और अभी आई थिंक बारिश बहुत जोरों से गिरने वाली है। लेकिन जो ये फीलिंग है ना और ये जो वेदर है ना, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, बहुत मजा आ रहा है। ओ सात बारह यहाँ पे भी है, बहुत सही यार। ये कोल्हापुर का फेमस है सात बारह होटल, वो यहाँ पे भी बन गया, बहुत सही है। और जो कोकन जो है वो बारिश के टाइम तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। मुझे प्रथमेश भाई भी बुला रहे हैं कोकन में, मालवन में वापस। वो बोल रहे हैं कि अभी बारिश में जो सुंदरता है कोकन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तुमने ड्रोन वगैरह लिया है तो आप वापस आ जाओ एक बार। लेकिन यार क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। एक कोकन जहाँ मालवन जाना है तो एटलीस्ट तीन चार दिन तो छुट्टी चाहिए, इतना तो नहीं मिल सकता। क्या करें अभी, ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ, जॉब में ऐसे ही होता है यार, क्या करें। लेकिन तो नेक्स्ट मंथ जो राइड होने वाली है वो बहुत ही सही होने वाली है। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता जगह। आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और गेस कीजिए कौन सी जगह हो सकती है। अभी देखिए मैं हिंट दे सकता हूँ कि कहीं साउथ में कहीं पे है, और वो बारिश में वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तो गेस कीजिए, आप कमेंट कीजिए और गेस कीजिए वो जगह। और ये अभी हम लोग करनाला बर्ड सेंचुरी के यहाँ पे है, देखो करनाला बर्ड सेंचुरी 800 मीटर पे है। और यहाँ का जो वातावरण है यार बहुत ही सही है, बहुत सही वेदर है यार इधर, एक नंबर फॉग, मस्त एकदम। और आप इंस्टा 360 में देख रहे होंगे, ये देखो कैसा दिख रहा है पूरा, ये देखो ये सेटअप जो लगा है मैंने, पूरा प्रॉपर सेटअप किया है। देखते हैं अभी वो टिकता है नहीं, बारिश तो पड़ रही नहीं है, तो देखते हैं अभी बारिश पड़ने के बाद समझेगा वाटर जा रहा है या नहीं, अंदर पानी जा रहा है या नहीं, तो यार देखते हैं। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे रुके थे एक ड्रोन शॉट लेने के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत एरिया है, पूरा ग्रीनरी है एकदम, और बारिश एकदम रुक गई है, पूरा धूप पड़ी हुई है, तो एकदम परफेक्ट मौसम हो गया है। लेकिन वी वांट बारिश, क्योंकि ये मानसून राइड है तो इसमें थोड़ी तो बारिश चाहिए यार। मेरे को कॉन्टेंट ले भी लगा दे तो यार, पीप पीप पीप, देखो ना पूरी धूप पड़ी हुई है यार, क्या सीन है, क्या समझ रहे। बट आई होप माई कैमरा इज वर्किंग प्रॉपरली एंड मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
अभी देखते हैं। अभी हम लोग कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे क्योंकि भूख बहुत लगी है, कुछ नाश्ता पानी कुछ किया नहीं है। तो अभी ये निखिल भाई का एक्चुअली ये जो रूट है वो उनका रूट मीन्स अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो उनका नेटिव प्लेस है निखिल भाई का। तो वो हमें एक जगह लेके जा रहे हैं, उनका मतलब रोज का स्टॉप है एक खाने के लिए, तो वो लीड कर रहे हैं, हम लोग दोनों उनको फॉलो कर रहे हैं। तो या और आप देख सकते हो गाइस बारिश शुरू हो गई है जिसके लिए हम राइड कर रहे थे। और गाइस अभी बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की गिरने लगी है। अभी हम लोग चेक करते हैं ये जो सेटअप मैंने किया है उसका कुछ उपयोग होता है या नहीं। आई थिंक हो जाएगा, देखते हैं ये जो सेटअप है उसका अभी। और ये जो दिख रहा है जो सामने वो चुम्बेश्वरी है, चुम्बेश्वरी बहुत सही। हाँ हाँ हाँ, जोर की बारिश आने लगी है मेरी कॉम, और भी मजा आएगा ना मेरी चौम चौम रूप। और बिचारी रूप्स की हालत तो बहुत बेकार हो गई, मुझे बहुत घान वाट रहा है उसके बारे में यार, बहुत गंदी हो गई है बिचारी, बहुत ज्यादा गंदी। इस राइड के बाद तो मैं पक्का उसको धो लूंगा यार। मैं लास्ट टाइम जब भी कोरीगढ़ गया था तो मैंने धोया ही नहीं यार उसको, क्योंकि बारिश कंटिन्यू थी तो वो वापस गीली यही होने वाली थी, खराब ही होने वाली थी, तो मैंने धोया ही नहीं। अभी मैं पक्का धोऊंगा इस राइड के बाद में। और आप आई होप आपको ये मानसून राइड अच्छी लग रही होगी। और या रास्ता ठीक ठाक ही है, इतना ये नहीं है, लेकिन बहुत ही धुआंधार बारिश हो रही है, इसमें प्रॉपरली चेक हो जाएगा अपना सेटअप। रपाक रपाक इतने इतने चल चल। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा नाश्ता करने जा रहे हैं। ये पाली का फाटा है, तो ये पाली को जाता है कोपोली, और यहाँ पे आई थिंक वड़ा पाव खाए का इडली सांबर वगैरह खाए काही चालेल, लाइट काही पण चालेल, इथे फक्त वडापावच भेटेल। इडली सांबर वगैरह खायचं तर पुढे जावं लागेल। तुला काय खायचंय? चल वडापाव खाऊ चल। तो गाइज एक्चुअली अभी एक इशू हो गया, हम लोग ने अभी जस्ट यहाँ पे खाना खाया और जो निखिल भाई है उनकी बाइक का कुछ ऐसा हाल हो गया क्योंकि वो हवा चेक कर रहे थे और उसमें उनका जो अपना वाल्व ना रे वाल्व वो उड़ गया मतलब उधर से, तो वो पूरा मतलब फ्लैट हो गया टायर। तो अभी अंकल मिले यहाँ पे गैरेज वाले, तो उन्होंने टायर निकाल के दिया और अभी हम लोग उधर वाल्व लगा के दे रहे। निखिल भाई क्या ऐसा क्यों हो रहा है अपने साथ, बताओ ना यार, ऐसा क्या तुमने पाप किया इधर? कोकन ट्रिप में पीछे का हाल है। हां इनका ऐसा सीन है कि इनके यहाँ पे जब भी कोकन ट्रिप मारते तो ऐसे ही होता है, तो ऐसा है। थैंक यू अगर काढून दिल्याबद्दल, तुम्ही फुटेज येते व्हिडिओ काढतोय व्हिडिओ। हां काटकर भाई क्या है सीन तुम्हारा, बहुत मेहनत लग रहा है लेकिन हो जाएगा आई थिंक हो जाएगा। ये भैया जो है वो
निकाल के दे रहे, तो अभी वो वाल्व लगाएंगे, अभी देखते, वेट करना पड़ेगा।